एल्विश यादव ने फिर एक बार तोड़ी अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर चुप्पी। क्या बना रहे हैं सभी फैंस को बेवकूफ। वेल, बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं। एल्विश हेडलाइंस में बने रहने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। वहीं डेली एल्विश से जुड़ी कोई ना कोई खबर सामने आ ही जाती है। वेल, एल्विश यादव लगातार अपने काम, नाम और फेम की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। अब स्टार ने एक बार फिर अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर चुप्पी तोड़ी है और एक बात कह डाली। एल्विश फैन से जुड़े रहने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। एल्विश अपने फैंस के साथ लगातार व्लॉग्स के जरिए जुड़े हुए हैं और उन्हें एंटरटेन भी कर रहे हैं। अब स्टार ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर एक बयान जारी किया है। एल्विश यादव जब बिग बॉस के घर के बाहर आए थे, तब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनकी गर्लफ्रेंड है और वो पंजाब की रहने वाली है और वो कीर्ति मेहरा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे में एल्विश यादव से एक और इंटरव्यू में जब उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में सवाल किया गया, तो एल्विश ने कहा उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर एल्विश से जब पूछा गया कि पहले तो आपने कहा था कि आपकी गर्लफ्रेंड है, इस बात पर एल्विश ने जवाब दिया और कहा कि आप लोग गेस करते रहिए कि मेरा स्टेटस क्या है, मैं सिंगल हूँ या फिर मिंगल। जैसा कि आप सभी को याद होगा, बिग बॉस के घर के अंदर भी एल्विश पूरे टाइम सारी लड़कियों से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नजर आते थे और उन्होंने मनीषा रानी को कई बार बुला भरा भी कहा, क्योंकि मनीषा ने उनकी गर्लफ्रेंड को बेवकूफ कह दिया था। मनीषा एल्विश के साथ मस्ती करने की कोशिश करती थी, जो कि एल्विश को पसंद नहीं आती थी, क्योंकि एल्विश का कहना ये था कि उनकी गर्लफ्रेंड ये सारी चीजें पसंद नहीं करेगी। एल्विश शो में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए काफी ज्यादा लॉयल भी दिखाई देते थे, लेकिन अब जो एल्विश ने स्टेटमेंट दे दिया है, उसे सुनने के बाद फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि एल्विश ने कब सही कहा और कब गलत। अब फैंस को ये लगने लगा है कि एल्विश फैंस को अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से बेवकूफ भी बना रहे हैं। वेल, आपका एल्विश के स्टेटमेंट पर क्या कुछ है कहना, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।